नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आज हम मौजूद हैं प्रिया गुप्ता के साथ में, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बेहतरीन डांसर हैं और बेहतरीन कॉमेडियन हैं। जी हाँ, आप सभी जो है इनको अच्छे से जानते होंगे। प्रिया गुप्ता किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं और आज इन्होंने एक अपनी जो छवि है वो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री की बनाई है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस की बनाई है और बहुत अच्छी डांसर की बनाई है और काफ़ी सफल जो है इन्होंने फिल्में भी करी हैं। इसके अलावा जो है सॉन्ग्स भी करें और रेगुलर बेसिस पे कॉमेडी तो चली रही है इनकी। पंकज शर्मा के साथ करा है, सुराणा फिल्म्स के साथ अटैच है, सुमसा सुपारी जो है फिल्म्स के साथ इन्होंने काम किया है। प्रिया जी नमस्कार। नमस्कार। प्रिया जी, जनता आपकी काफ़ी फैन है और बहुत फैन फॉलोइंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? एक तो पहले रीजन जानना चाहेंगे और एक परिचय आपका। ऐसा क्यों है वो तो पता ही है, हमारे काफी सारे वीडियोस आते हैं, कॉमेडी आती है और हमारे डांस के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो डांस और हमारे काम को लेकर हमारे बहुत सारे फैंस हैं। और हमारा परिचय ये है, हमारा नाम प्रिया गुप्ता है, हमारा जन्म जोधपुर में हुआ है, हमारे घर में मम्मी पापा सिस्टर भाई दादा दादी चाचा चाची एंड पूरी जॉइंट फैमिली है। ओके। हाँ जी, आप इस इंडस्ट्री में जो है हर का सपना होता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और हर का अपना अपना सपना था, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो आपने प्लान किया था इस इंडस्ट्री में आने के लिए या बाय डिफॉल्ट आ गए? प्लान तो कुछ भी नहीं था, बचपन से डांस का शौक था तो डांस के लिए मम्मी से बहुत सारी जिद करी थी कि मम्मी आज हमें ये मतलब शोज करने हैं या फिर हमें रियलिटी शो में जाना है। और मम्मी वैसे भी कुछ भी काम का बोलते थे ना, तो हम शुरू से ही डांस करने लग जाते थे, इतना डांस का शौक था। तो धीरे 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 इवेंट्स वगैरह और ये सब किए और फिर शूट वगैरह मिलने लग गए इवेंट के जरिए, तो आज ये है। तो डांसिंग में आपने पूरी इसकी ट्रेनिंग ली या जो है रेगुलर बेसिस पे मतलब अपने घर में ही सीखा? पहले तो ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर हमारी मुलाकात हमारे जो मतलब कोरियोग्राफर है, जो मेन मोहित जॉर्डन नाम है उनका, वो हमारे सारे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ वही करते हैं, तो उनके साथ ग्रुप में प्रैक्टिस करना और उनके साथ इवेंट वगैरह करना, तो ये सब उन्हीं से कुछ थोड़ा उन्हीं से भी सीखा है। और वैसे डांस की तो आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं ली हमने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया आपने बताया। और एक चीज बताइए, अब तक कितनी जो है आपने कितनी फिल्मों में काम करा है, कितने एल्बम्स में काम करा है अप्रोक्स? एल्बम्स का तो बोले कि हमें तो खुद को भी याद नहीं है कि हमने कितनी एल्बम में काम कर लिया, कितने सॉन्ग आ गए हैं, काफी सारे मतलब हजारों में होंगे हमारे सॉन्ग्स। और फिल्मों का ये है कि हमने काफी सारी फिल्मों में काम किया है, कुछ रिलीज हुई है, कुछ रिलीज नहीं हुई है, जैसे कि अपकमिंग है, जैसे कि अभी हाली फिलहाल हमने एक डेढ़ साल पहले मूवी की थी शुभ रात्रि, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, मतलब होने वाली है। उसमें हमारा बहुत खतरनाक वाला कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था हमारा, तो हम जो हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनसे ना निवेदन करेंगे कि प्लीज जल्दी से वो मूवी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और बताइए। और जो डांसिंग जो आपके फेवरेट जो है सॉन्ग्स जिसमें आपने काम किया है? फेवरेट सॉन्ग्स तो अब वो तो फैंस को भी बताए, पब्लिक को भी बताए, हमारे मतलब वो सबके जो जितने भी फैंस हैं उन सबकी पसंद है, तो हमारी भी वही पसंद है, जैसे कि घंटी का नाटन और सोना बाबू लादो और मैं हूँ सोना बाबू और पानी डो बरसा दे। अभी हाल ही वो मतलब सॉन्ग चल रहा है केम रे केम, वो हमारा बहुत अच्छा मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग। और एक बताएं, लोग आपको सोना बाबू के नाम से जानते हैं, प्रिया गुप्ता जानते ही जानते हैं, और सोना बाबू कहते ही जो है वो लोगों को मालूम पड़ जाता है, तो सोना बाबू का क्या आपका एक करेक्टर है? सोना बाबू का कैरेक्टर ये है कि एक लड़का होता है जो मतलब हाथ पैर धो के हमारे पीछे पड़ा होता है और हमें वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो जो हमारे जो कैरेक्टर की जो नोकझोंक है उस लड़के से जो हमारी नोकझोंक है वो पब्लिक को बहुत पसंद आती, मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद आती, तो वो कैरेक्टर मतलब इतना हो गया इसलिए लोग सोना बाबू को ज्यादा पसंद करते हैं। कैरेक्टर का नाम कौन से कैरेक्टर का? जो लड़के का कैरेक्टर बबिया नाम है उसका, बबिया नाम है। हाँ, वैसे पंकज शर्मा, वैसे पंकज शर्मा है। तो ये जो आपको जो सेट पे दिखता है, मतलब जो आपके जो है वीडियोस में दिखा है,
और जो सेट पे क्या सेम होता है वो वैसे ही परेशान करते हैं आपको? एक्चुअली शूट करते वक्त तो कम परेशान करते हैं, लेकिन जब वो शूट नहीं करते हैं ना तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। बहुत बहुत ज्यादा परेशान होता है, मतलब बोले तो ना नाक में दम करना। तो वो तो क्या चीज जो है आपको एज एन पपिया जो है आपको अच्छी लगती है कि भी वो एज एन पर्सन जो है वो क्या सपोर्टिव रहते हैं क्या रहते हैं? नहीं, जो पपिया है मतलब जो पंकज जी हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मतलब वो उनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम उनके साथ होते हैं, और हमें भी जब भी सपोर्ट की जरूरत हुई है तो वो हमारे साथ हुए हैं। एज एन आपकी एज एन टीम और एज एन केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी जो लोगों को लगती है पर्दे पे बहुत अच्छी लगती है, और हमने सुना है लोग जहाँ भी बात करते हैं तो सुना वो पपिया की बात हमेशा ही जो है अगर राजस्थानी जो है इंडस्ट्री उसमें बात होती है तो ये हमेशा बात रहती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सुराणा फिल्म्स ये अपने आप में एक बड़ा नाम है आज की तारीख में, वास्तव में काफी बड़ा नाम है और बहुत अच्छे जो है काम कर रहे हैं, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, तो सुराणा फिल्म से इंटरेक्शन कैसे हुआ, हाउ यू इंटरेक्ट विद हिम और कैसा काम करते हो, कैसा महसूस करते हो उनके साथ में? सुराणा फिल्म से मतलब इंट्रोडक्शन कैसा हुआ, हम एक इवेंट में थे तो सुराणा फिल्म के जो ओनर हैं मुकेश जी सुराणा वो वहाँ पर थे और उन्होंने हमारा डांस देखा था, वो भी हरियाणवी कोई सॉन्ग था उस पर हमारा परफॉर्म देखा, तब से उन्होंने अपने माइंड में क्लिक कर लिया था कि ये लड़की हमारी कंपनी में काम करेगी, और फिर जैसे जैसे कांटेक्ट हुआ उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं मतलब प्रिया जी क्या आप सुराणा फिल्म स्टूडियो में काम करोगे, और वैसे भी हमें तो काम करना ही अच्छा लगता है, हमें तो हर कोई कंपनी हो, पहले हम बॉन्ड नहीं थे, पहले ऐसा था कि हम हर कंपनी में काम करते थे, तो हमने कहा ठीक है ओके काम कर लेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हमने उनके साथ काम किया हम उनसे मिले तो इस वजह से हमारा उनसे अच्छे से अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया। सुराणा फिल्म्स में क्या बात है जो आपको बहुत पसंद है? सुराणा फिल्म्स में क्या बात है जो हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली सबसे अच्छी बात है हमारे जो सर है मुकेश जी सुराणा और केबी जो सर है केबी भाटी, उनका नेचर हमें बहुत अच्छा लगता है, वो जो भी बात होती है कुछ भी होता है मतलब पोलाइटली और इतने प्यार से करते हैं ना, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमारी जो टीम है गुलाब जी हैं, राम निवास जी हैं, अशोक भैया है और को आर्टिस्ट मुकेश है, और हमारे जो पूरे सुराणा के जो मेंबर हैं वो बहुत ही प्यारे हैं बहुत। आपकी जिंदगी में अगर हम बात करें कोई भी जना अगर किस मुकाम पे पहुंचा, इतने सफल मुकाम पे आज बैठे हैं तो किन किन लोगों का जो है आपको सहयोग रहा है, हालांकि लिस्ट काफी लंबी होगी, और कुछ एक ऐसे नाम जो आप बताना चाहें? सहयोग तो सबसे पहले मम्मी और पापा का, पूरी फैमिली का, जैसे कि हम हर इंटरव्यू में बताते हैं कि फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम नहीं होते हैं यहाँ तक, सबसे पहला फैमिली का सपोर्ट, उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट, और फिर जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं मेन फीमेल जो सीनियर आर्टिस्ट है, जो आज के टाइम में बोलते हैं ना लड़की लड़की की हेल्प नहीं करती लेकिन हमारी हेल्प हर लड़की ने की है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट का कुछ नाम लेती हूँ, शर्मिष्ठा मखवाना हुआ, लक्की सिंह हुए, और टीना राठौड़ एंड और भी बहुत सारे फ्रेंड मतलब सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका बहुत सहयोग रहा है, और इवन हम बता देते हैं कि हमारी शुरुआत सबसे पहले लक्की सिंह जो है उन्हें हम प्यार से बोलते हैं उनके साथ हुई है हमारी शुरुआत। और ऐसे भी आपने एक काम किया था सुमसा सुपारी फिल्म के साथ में, वो सॉन्ग काफी पसंद किया गया, हालांकि उसमें व्यूज उतने लेवल पे नहीं आए पर फिर भी अच्छे व्यूज आए और एक बहुत ही इंटरेक्टिव था, और उस सॉन्ग के पीछे की कहानी और क्या हुआ था उसके बाद जो है वो गाना बना उसके बारे में बताइए। उस सॉन्ग के पीछे की कहानी तो जैसे लोगों को सब संस्कृति सॉन्ग, हाँ संस्कृति सॉन्ग के पीछे की कहानी तो जैसे लोगों को पता ही है, और जो स्ट्रगल वगैरह जो मैंने किया था वो मैंने उस सॉन्ग में बताया था, वो रियल, वो एकदम रियल था। हाँ मैं इवेंट में जाती थी मतलब बैग लेकर अकेले रहना 25-25 दिन घर से बाहर अकेले रहना, रात रात भर बस स्टॉप पर बस का वेट करना, देन इवेंट खत्म होते ही 14-14 घंटे लोकल बस में ट्रैवल करना, फिर घर आना, और ये सब ये चीज। तो आपके जो पूरे टोटल स्ट्रगल की कहानी थी वो संस्कृति सॉन्ग सुमसा सुपारी फिल्म्स के अंदर जो है, सुमसा सुपारी के साथ में काम करना कैसा लगा आपको? कैसे मतलब हम लोग जो जानते हैं सुमसा सुपारी को वो एक हार्ड रैपर के रूप में जानते हैं, तो कैसा महसूस हुआ उनके साथ, क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट है और अपनी चीजों को लेके वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें हों तो हों। एक एग्जांपल देते हैं, नारियल, नारियल जो होता है ना कि ऊपर से एकदम कड़क होता है और कठोर होता है और अंदर से एकदम नरम होता है, तो सुमसा सुपारी वो है, मतलब दिखते वैसे है कि बहुत हार्ड है बहुत स्ट्रिक्ट है,
वैसे वो नहीं है, वो एकदम नॉर्मल और एकदम पोलाइटली इंसान है और हमेशा प्यार से ही बात करते हैं। दूसरों से पता नहीं कैसे बात करते लेकिन हमसे तो प्यार से ही बात करते, और उनके साथ काम करना हमें सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। हम जब संस्कृति सॉन्ग शूट कर रहे थे तो इवन पूरी टीम हमसे पूछ रही थी, मैडम अब आप बताइए कैसे करना चाहिए, मैडम क्या करना चाहिए, मैडम ये मैडम वो। हाँ डायरेक्शन कोई और कर रहा था, कैमरा कोई और चला रहा था, लेकिन सारा कुछ हमसे पूछा जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे इतना पूछा जा रहा है, और एज एन आप सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और अच्छा काम कर भी रही हैं तो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा एक बताएंगे, हर कलाकार जो है उसका एक मकसद होता है कि मुझे, मैं अपने सफर में चल रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन एक मुझे वाजिब मुकाम तक पहुँचाना। तो क्या आपका जो है मुकाम जो है वो बॉलीवुड है, वहाँ एज एन हीरोइन बनना चाहते हैं, या एज एन जो है मतलब सिंगर क्या बोलते हैं आप, एज एन डांसर रहना चाहते हैं, क्या पसंद है आपको, क्या चाहते हैं? बचपन से हमारा एक ही सपना था, हालांकि हम बचपन की एक छोटी सी बात बताते हैं कि हम छोटे थे तब एक चीज मतलब समझते थे कि ये जो फिल्मों की दुनिया होती है ये अलग दुनिया होती है, मतलब ये फिल्मों की दुनिया भी एक अलग पृथ्वी है, और हम जो चीज कर रहे हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है देन वो उस पृथ्वी पर दिख रहा है, और वहाँ के जो भी मतलब हम जो देख पा रहे हैं वो वहाँ पे कैमरा लगा है जो हम देख रहे हैं। तो हमारा बचपन से यही था कि हमें भी उस पृथ्वी पर जाना है, मतलब हमें भी बॉलीवुड में जाना है, बट हमारा सपना है कि हम मूवीज कम करना चाहते हैं, हम सीरियल में जाना चाहते हैं, हम सीरियल करना। अच्छा टीवी सीरियल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हां फिल्म के कौन से ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड के जिनको आप पसंद करते हैं, और ऐसे कौन से टीवी एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं जिनको आप पसंद है, मतलब बॉलीवुड से लेकर अगर टीवी की बात करें तो कौन कौन पसंद है आपको? एक्चुअली बॉलीवुड में तो हमें मतलब पसंद है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब ऐसे तो बोलते ना एक नहीं है हमारे मतलब फेवरेट, अक्षय कुमार हुए और सलमान खान जी हुए, और देखा जाए शाहिद कपूर, मतलब परमानेंटली कोई टिपिकल एक नहीं है। और टॉलीवुड में देखा जाए तो हमें एक ही आर्टिस्ट बहुत पसंद है जिनके हम फैन हैं, राम पोथीनेनी उनका नाम है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। और फीमेल आर्टिस्ट का देखा जाए तो हमें माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। राजस्थान में बहुत कुछ दिया है आपको क्योंकि फैन फॉलोइंग जो कि हर गांव के अंदर जो है फैन फॉलोइंग है, और तो क्या आप राजस्थान के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं और अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जोधपुर में वैसे आपने पूछा क्या पसंद है तो वैसे भी सबको पता ही है क्या पसंद है, मिर्ची बड़ा मिर्ची बड़ा, और तो बोलते हैं मावे की कचौरी हमें बहुत पसंद है, तो मुंह में पानी दिला दिया आपने। और हम राजस्थान वालों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो दिल से और लगन लगा के कीजिए, उसकी फल की चिंता आप मत कीजिए। अगर आप दिल से कोई काम कर रहे हो और मेहनत से काम कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल पक्का आपको फल मिलना है। जो फैंस हैं आपको शुरुआत हुई थी उसके बाद में यहाँ तक का सफर है, तो पूरा सफर कैसा रहा आपका, मतलब आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी मेमोरी में है, कुछ हंसी पल होते हैं, कुछ दुख के पल होते हैं, कुछ वो मोमेंट शेयर कर सकते हैं आप? पूरा जो सफर था या मतलब जब से हमने काम करना शुरू किया तब से लेके अब तक का हमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय हमने, मतलब हमें अभी भी नहीं लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियसली हमने स्ट्रगल इतना हार्ड किया है, मतलब आप सब लोग बताते हो तो लगता है हमें, बाकी हमने एंजॉय किया है। और देखा जाए तो क्या मेमोरी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने को है, कभी फुर्सत में रहे तो बहुत बताएंगे। वैसे हालांकि एक बात बता देते हैं, हम एक मूवी में काम कर रहे थे जब नए नए आए थे, आज से 5-6 साल पहले की बात है, एक मूवी की शूट चल रही थी 4 दिन की चांदनी, उनमें से अनुपम जी जो खैर है, अनुपम खैर जी है उन, वो क्या हमारा एक सीन था जिसमें हमें दिया था मतलब थाली में फूल वगैरह दिए थे, बोल रहे हैं कि जब ये यहाँ से निकले तो उनके ऊपर बरसाने हैं, तो हमने वो थाली में जो फूल जो होते हैं ना वो हम बरसा रहते हैं। एक्चुअली हम फ्रेंड्स इतनी मस्तियाँ कर रही थी ना उस शूट पे, तो हमने क्या किया वो फूल हमें ध्यान नहीं रहा, हमने उनकी आंखों में मार दिए, ठीक है शॉर्ट कट हुआ, अनुपम खैर जी सर ने आके हमारा हाथ पीछे से पकड़ा और ना हमारे को ऐसे डांट के बोला यही लड़की है ना इसने मेरी आंख फोड़ी थी, तो हम बहुत डर गए, छोटे से तो थे हम बहुत डर गए थे, हमने जैसे से करके बोला सॉरी सर आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। और वो दिन हमें आज तक याद है, अगर हमारी मुलाकात कभी भी हुई ना उनसे तो हम ये बात जरूर उनको बताएंगे। अभी एक आपने देखा ट्रेंड जो चल रहा है
काफी सारे जो हैं वीडियोस आ रहे हैं सारे आ रहे हैं, तो सुराना फिल्म्स में इतने व्यूज आ रहे हैं उसका कोई खास कारण आपको लगता है? सुराना फिल्म्स में इतने व्यूज आ रहे हैं, एक्चुअली लोग सुराना फिल्म्स को पसंद कर रहे हैं इसलिए व्यूज आ रहे हैं उनको, हमारा काम करना, हमारे वीडियोस, हमारी कॉमेडी, हमारी हर एक चीज उन लोग, मतलब फैंस लोगों को बहुत पसंद आती है इसलिए व्यूज आ रहे हैं। और आपने एक चीज नोट करी होगी, राजस्थान में जो है नॉर्मली बोलते हैं कि राजस्थान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कह लो, या काफी पीछे है, तो राजस्थानी भाषा की मान्यता के संघर्ष के लिए लाइक जैसे नमस्ते राजस्थान मेरा समाचार पत्र है और चैनल है, हम लोग लगे हुए हैं, राजपुरी जी हैं, काफी सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा की मान्यता मिले और संविधान जो है संविधानिक मान्यता मिले और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं, तो आपको लगता है राजस्थान इंडस्ट्री भी पीछे है तो उसको आगे लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए? बोलते हैं ना कि किसी चीज को करने के लिए सबका साथ होना बहुत जरूरी होता है, तो मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ लोग साथ नहीं देते, उसी चीज के कारण शायद आज तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। क्योंकि आप जैसे एज एन एक्ट्रेस आप काम कर रही हैं, इसके अलावा जो है मतलब जैसे पंकज जी बताया, पंकज जी ने काम करा, सुना फिल्म से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सुमसा सुपारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जागीरदार आरवी रैपर या बालम ठीक है ना जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है हनी शर्मा, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इंडस्ट्री अभी उस लेवल पे नहीं आई है। और राजस्थान के आर्टिस्ट को कहते हैं कि संघर्ष, अगर दूसरे पंजाब के सिंगर का या एक्टर का जो संघर्ष है वो अगर एक गुना है तो राजस्थान के आर्टिस्ट का 10 गुना है, क्या मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं इस चीज को, संघर्ष, जहाँ संघर्ष नहीं है वहां पे तो कोई मतलब है ही नहीं, संघर्ष होना भी बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो राजस्थान में सच में बहुत ज्यादा संघर्ष है, आज नाम होने के बावजूद भी हम संघर्ष कर रहे हैं ये चीज, और उतना पैसा भी मतलब कंपैरेटिव जो बाकी जगह मिलता है बॉम्बे में या पंजाब में वहाँ इतना पैसा नहीं मिलता है। हाँ यहाँ पर इतना पैसा नहीं मिलता है, इतना वो नहीं होता, जैसे कि आज हमने मेहनत की पूरे दिन की तो हमें मतलब वो मेहनत का जो जैसे वहां मिलता है नहीं मिल पाता है, और जहां तक कि लोगों को लगता है कि बहुत पैसा मिलता है शूटिंग में ये है वो है, तो राजस्थानी इंडस्ट्री में पैसा इतना नहीं है। हाँ हम काम करते हैं, काम बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा उतना नहीं है। चलते चलते जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस के लिए और राजस्थानी इंडस्ट्रीज के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए मैसेज देना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और हमारे फैंस को भी यही बोलेंगे हम कि थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच कि आप लोग अगर नहीं होते तो शायद हम नहीं होते यहाँ पे। और सबसे बड़ा हाथ मतलब जो भी आज मेरी मेहनत जो भी जैसे भी है वो उन सब में सबसे ज्यादा सहयोग मुझे राजस्थानी इंडस्ट्री एंड मेरे जो फैंस हैं उन लोगों से, उन लोगों की। आपसे एक चीज है, शुभरात्रि का काफी जिक्र होता है और जहां भी बात होती है शुभरात्रि मूवी जो है उसमें काम करे पंकज सिंह, तुम्हारा एक जाना माना नाम है आज इंडस्ट्री के अंदर, और बताते हैं बहुत हार्ड वर्किंग है उनकी, काफी जो है फिल्म्स जो है शॉर्ट फिल्म्स जो है वो उन्होंने काफी अवार्ड फंक्शंस में भी गई है, उनको मिले भी अवार्ड्स हैं जिसमें केक थी पिता, इसके अलावा काफी फिल्में हैं, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करना? मुझे उस टीम के साथ काम करना इतना अच्छा लगा, वो टीम बहुत अलग है, बहुत मतलब जैसे कि शूट पर इतना सारा मतलब परेशान हो जाना, और देन जब शूट करते वक्त एक्चुअली हमारा जो कैरेक्टर था डायन का कैरेक्टर था उस, पता है ना आपको डायन के कैरेक्टर में कितना पूरा मेकअप एंड पूरा मतलब पूरी बॉडी पे मेकअप वेकअप था और ये सब चीज हर एक शॉट के बाद में, इवन जो हमारे साथ के को-आर्टिस्ट भी थे वो भी पूरी हेल्प कर रहे थे, हमें सबसे ज्यादा वही अच्छा लगा। आज के टाइम में जहाँ भी हम शूट करने जाते हैं कहीं पर ऐसे होते हैं, हाँ टीम मतलब हेल्प नहीं करती है, जो भी होता है मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है वो मेकअप आर्टिस्ट करता है देन कैमरामैन, लेकिन उनकी टीम में टिपिकल मतलब पूरी फैमिली जैसी थी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आज वो आर्टिस्ट है तो नहीं, मतलब एक हेल्प करना, एक सहयोग देना, साथ देना, मुझे सबसे अच्छा वही लगा उनकी टीम में। यहाँ बताना चाहेंगे शुभरात्रि मूवी वो मैं भी जो हूँ, मेरे को भी चांस मिला प्रिया गुप्ता जी के साथ में, मैंने भी काम किया है, इसके अलावा जो संस्कृति सॉन्ग है उसमें एज एन इनके फादर का कैरेक्टर किया तो काफी अच्छा है, ये बात करना चाहेंगे काफी हार्ड वर्किंग है प्रिया गुप्ता और आज यहाँ से जहाँ भी इंडस्ट्री में पहुंची हैं तो मैं पर्सनली इनको जानता हूँ और इनकी मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत मेहनत करती है तभी आज यहाँ तक पहुंची है। धन्यवाद प्रिया जी आपको हमें देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद आपका, और एक चर्चा भी आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, राजस्थानी के लोग जो हैं उनका जितना प्रेम आपको मिला है
और आपके भी प्रेम उनको मिला है, वो भगवान करे बना रहे और ऐसे ही आपको सफलता के जो है कदम चुके हैं। तो ये थी प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ में, एक डांसर, एक कॉमेडियन और एक एज गुड, वेरी गुड आर्टिस्ट। इनकी फिल्म और नए सॉन्ग्स जो हैं आपको जल्दी देखने को और मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you.